भाई ये तो क्या पता है, तो पुलिस जांच का वो है जी। और सब लोगों को पता जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार हैं, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीज़ें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे जिस तरह से पंजाब में हुए हैं, 2-3 मर्डर ये हुए हैं जी जी। पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं जी। कुछ नौजवान नशे की उसमें है और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिल के आए हैं? बिल्कुल मिल था भाई परिजनों के लिए, तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सब लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये हैं कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत हैं, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकालने और उन्हें यह है कि भाई संघर्ष करूँगा और मैं जीऊँगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पर था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊँगा यहाँ पर, और बाहर से जो शो करूँगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊँगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है। और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज़्यादा पंजाब को नुकसान। प्रधान जी, गैंगस्टर जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता क्यों नहीं कर पाती, राजनीति सह होती है इनको? राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके। कुछ अमृतसर खालसा कॉलेज के गोली चली आ, एक बस लुटी गई आ, भी जो पंजाब के हालात दिनों दिन खराब। देखो पंजाब के हालात, ये कई जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा, पॉलिटिकल नुकसान रहेगा या इसका क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जनता दहशत में है। हम तो साथ ही हैं, देखो किसान जत्थेबंदी के लिए ये बिल्कुल साथ में था, और जो 28 तारीख की घटना वो हुई तो उसके बारे में भी इसने लिखा जी। और वो हमारे अकाउंट पे भी इसने वो करा, और ये वहाँ के किसान मूवमेंट को फॉलो करते थे, इनका पूरा परिवार पूरा पंजाब ही करता था, जितने भी यहाँ के गायक थे चाहे वो बाहर रह रहे हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने किसान जत्थेबंदी के लिए गाए भी है और उनका एक बड़ा योगदान रहा यहाँ से यूथ को ले जाने में, भेजने में, वहाँ पर मदद करने में। एक ऐसा बड़ी बहुत ब्लंडर गलती किया पंजाब सरकार ने, उसमें जो अफसर जुम्मेवार है उसके बारे में आप कुछ एक्शन के लिए बात करेंगे सरकार से? सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि सिक्योरिटी की एक कमेटी होती है, उस कमेटी से करके जिस जिसको सिक्योरिटी जितनी चाहिए वो करी जाए। ये यहाँ पर नहीं है, पूरे देश भर में हम करेंगे। आजकल एक बड़ा खतरा पॉलिटिशियनों पर और दूसरे लोगों पर भी ये चीज़ें हैं, खास करके जो गायक हैं उद्योगपति हैं, अगर उद्योगों को भी हम सेफ नहीं करेंगे तो भी शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी जगह कहीं। पंजाब सरकार कह रही है असी जरा सिक्योरिटियां वापस करके असी खजाने भर रहे हैं, खर्चे बचा रहे हैं, कि उन्होंने लगता नहीं जाना गवा रहे हैं, पैसे पीछे लगी हुई है सरकार? अब वो तो गवर्नमेंट का अपना 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 वो है सोच उसका, लेकिन उनको लिखेंगे कि इस पर दोबारा एक कमेटी बनाकर इसका पूरा एक सर्वे करे जाए, आगे नुकसान ना हो। वो खिलाड़ी भी लड़का गया है, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है, और यहाँ से धीरे धीरे इसीलिए हमने कहा है कि प्लस टू के बाद में बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, उनको कैसे रोकना है। और यहाँ पर दो चीज़ों की है, एक नशे की लत है, उस पर छुटकारा पाओ।